झूठ मत बोलो। देखिए अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 मूल अक्षर होते हैं। पहला अक्षर है ए। मैंने कसम ली। अबे भेसोए घोड़े, चने खा चने। चना सा, इन सब से कहिए ना कि इतनी मस्ती ना करें। हमें अभी तुलिका जी को अंग्रेजी सिखानी है। हाँ है, इनको लगता है इंग्लिश सीखना जेब काटने जितना आसान काम है। एक दिन में सीख जाएगा। मैं सिखा सकती हूँ एक दिन में। एक दिन में क्या, एक मिनट में सिखा सकती हूँ। कैसे सिखाओ? तुलिका बोल, इंग्लिश। इंग्लिश देखा आ गया कि नहीं? ए माजी, ओ मेरे। ऐसा तो हम इंडिया का सब लैंग्वेज बोल सकता है। तमिल बोल सकता है, तेलुगु बोल सकता है, मलयालम बोल सकता है, सिंधी बोल सकता है, मराठी बोल सकता है, बंगाली बोल सकता है। तुम सबके सब टफस और टफस। एक ही समझदार आदमी है यहाँ, पंकज जी। सिखाइए ना। धन्यवाद। तो तुलिका जी, यदि वह व्यक्ति आपसे आपकी प्रिय रुचि के बारे में पूछे। जी रुचि कौन है? रुचि अर्थात कार्य, विषय वस्तु, काल, राष्ट्र, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछे। अरे भाई, इससे अंग्रेजी सीखने से पहले मेरे को हिंदी सीखनी पड़ेगी यार। ये सब माथा कुछ छोड़ो ने भाई साहब, मैं क्या बोलती हूँ, मेरे को यस नो ओके प्लीज थैंक यू ये एकदम फर्स्ट क्लास आता है। तो कौन से सवाल पे क्या जवाब देने का, मेरे को खाली ये सिखा दो। उड़ी बाबा, हमारे दिमाग में खूब जोर का आइडिया लगा है। हम क्या करेगा, हम सब लोग मिलके चोरी करेगा। हमारे कहने का मतलब है, हम चोरी से वो लड़का जो सवाल पूछता है उसका जवाब तुलिका को इशारा से बता देगा, तो तुलिका उसका जवाब दे देगा, है ना? वाह, क्या टॉप के पेंट का आइडिया है भाई, है ना? हाँ वेरी गुड। ए लेकिन ना हमको ये तय करना पड़ेगा कि किस इशारे का क्या मतलब है। फर्ज करो, हाँ ओके के लिए ये रखते हैं। ओके। नो के लिए ना अपन ऐसे करेंगे। हाँ नो करेक्ट। अच्छा ए थैंक यू बोलने के लिए अच्छा उंगली से दांत में रगड़ी देगा। अरे थैंक यू चले गाल। तकियासा तुलिका जी से कहिए कि हम फाइन के लिए ना ऐसे करेंगे। हाँ फाइन वेरी गुड। और गुड़ के लिए हम यदि अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराएं कैसा लगेगा? पंकज जी गुड है, वेरी गुड। ओके तुलिका, हाँ अब हम ये जो हमने तय किया है ना इसका रिहर्सल करेंगे। ओके भले। इसको क्या बोलते हैं? ओके वेरी गुड। इसका मतलब फाइन, थैंक यू। और इसको क्या बोलते हैं? गुड गुड। और इसको क्या बोलते हैं? नो और इसी तरह से सच्चाई के तप की ताकत की वजह से अग्नि प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और होलिका जिसे न जलने का वरदान था वो अग्नि में भस्मीभूत हो गई। समधन जी, ये होली की पूजा आज करके मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। अच्छा, मुझे याद आ गया मेरा गुजरात, मेरा गांव, जहां हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, हाथ में पिचकारी लेकर चौक में चले जाते थे और सारे लोगों को आते जाते लोगों को घेर लेते थे और हमें घेरैया की टोली कहकर लोग बुलाते थे और पैसे मांगते थे और जो हमें पैसे नहीं देता था उसे हम छोड़ते नहीं थे और एक गाना भी गाते थे ऐसे मौके पर। हाँ याद आया,
होली ना पैसा आपो नवाई लाल समथिंग समथिंग आपो नवाई लाल होली ना पैसा आपो नवाई लाल चकला दी तेरी ने चालो नवाई लाल किसान दी पैसा उछालो नवाई लाल ए पैसा उछालो नवाई लाल होली ना पैसा आपो नवाई लाल चकला दी तेरी ने चालो नवाई लाल होली ना पैसा आपो नवाई लाल चकला दी तेरी ने चालो नवाई लाल राजू हम कल वो लता मंगेशकर का गाना सुना अच्छा गा लेती है एक टाइम था हम भी गाना गाता था किंतु गले का प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया क्यों क्या प्रॉब्लम थी पड़ोसी हमको गला दबाने का धमकी दे दिया था अच्छा किया था उसने धमकी दी थी मैं वाकई में गला दबा दूंगा तेरा सॉरी यहाँ पे सीरियस डिस्कशन करने बैठे हम लोग अपूर्वो कितना सीरियस है जनरल वार्ड जितना ना आईसीयू जितना ये भांग को चटनी समझ के रोटी के साथ खा गया था क्या तू इसकी छोड़ कल की टेंशन के बारे में सोच अरे डगली आने वाला और हम सबको उसके सामने बहुत सावधान रहना पड़ेगा कोई तुलिका को अकेला नहीं छोड़ेगा हाँ अच्छा वो रिहर्सल होगी अपूर्व भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमने तुलिका को सारे संकेत और उसके अर्थ समझा दिए अर्थ का अनर्थ न हो जाए क्या हुआ क्या हुआ तुलिका हेलो वो बुरिया मेरे को लेके जाएगा वो मेरे को लेके जाएगा तेरा बुरिया तुझे लेने आ गया है तुलिका मेरे को नहीं जाना भाई ना वो मेरे को लेके नहीं 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 तुझे कोई नहीं लेके जाएगा तुझे कोई नहीं लेके जाएगा मैं हूं ना तेरे हां तेरा बुरिया है तेरे साथ इस बुरिया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कल धुलेटी है ये 100% घर में घुसने की कोशिश करेगा क्या करूं सिक्योरिटी यस अंकल से कहकर सबकी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूं हाँ पिताजी राजू भैया आप हाँ मैं राजू ही हूँ हाँ पर ये पिताजी के कपड़े पिताजी ने दिए क्यों ये तो पिताजी बता सकते हैं ना वो गार्डन में ओके अबे बुड्ढे तू मरेगा भरी जवानी में एक मिनट कहाँ जा रहे हैं अंदर बाहर के लोगों का न जाना मना है देखिए हम इस घर के स्थायी सदस्य हैं पंकज शाह एक मिनट आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है आप अंदर नहीं जा सकते अपूर्वा I'll call you later अपूर्वा सुनो Hi beautiful बहुत खूबसूरत लग रही हो ये मैं खूबसूरत लग रही हूँ इतनी हैरान क्यों हो वही तो हाँ। अरे राजू भैया को मैंने पिताजी के कपड़ों में देखा राजू क्या राजू आपके कपड़े क्यों पहन रहा था बेटा इसमें राजू का कोई कसूर नहीं है राजू ने पिताजी के कपड़े नहीं पहन रखे थे बल्कि पिताजी ने राजू को पहनने के लिए कपड़े दिए थे क्यों ताकि राजू को भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो पर पिताजी तब आप कहाँ थे हम तो बाथरूम में नहा रहे थे बेटा नहीं पर राजू भैया तो कह रहे थे आप गार्डन में हैं एक नंबर का गधा है पिताजी हाँ? राजू एक नंबर का गधा है ना पिताजी लेकिन तुम राजू को इस तरह से गालियां क्यों दे रहे हो वो बेचारा तो कितना हैंडसम है है? वैसे बेटा तुम क्यों हमें ढूंढ रही थी पिताजी
आज के दिन आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी। हाँ हाँ जरूर जरूर बेटा, जाते रहो जीतते रहो बेटा। मैं कमरे में हूँ। देखिए हम आपको कब से यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस घर के स्थायी सदस्य हैं और किसी कार्य हेतु इस घर से प्रस्थान कर गए थे और कार्य समाप्ति के पश्चात पुनः इस घर में प्रवेश पाना चाहते हैं। हम समझ सकते हैं कि द्वारपाल होने के नाते आपका वैधानिक अधिकार है कि आप हमें अंदर प्रवेश करने से निषेध करें, किंतु हम चाहते हैं कि एक बार श्रीमान। देखिए आप मुझे संस्कृत में मत समझाइए, प्लीज हिंदी बोलिए। और आपको क्या लगता है इस तरह बोल के आप मुझे इंप्रेस कर लोगे और मैं आपको छोड़ दूंगा? आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए आप समझने का प्रयत्न कीजिए। जाइए आप। अरे पंकज क्या हुआ बेटा? अंकल ये हमें प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। क्यों भाई, इनको अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? सर ये अनजान आदमी है, उसका नाम भी लिस्ट में नहीं है। ये अनजान नहीं है, ये फैमिली का मेंबर है भाई। अरे क्या साहब, पहले बोल दिया होता हिंदी में कि आप फैमिली मेंबर हो। जाइए जाइए प्लीज जाइए। क्या तुम आज आ जाओ बेटा, आज आज छुट्टी लेके तुझे समझा तो। नहीं बेटा अपूर्व पंकज वो पकड़ा गया, सच्ची बोलता है, देखो बाहर में चलो। मैंने पहले कहा था कि ये सत्य का पुजारी पंकज एक दिन हमें मरवाएगा। पकड़ लिया ना अंकल ने। अंकल उसे सब सच उगलवा रहे भैया, ये नकली फैमिली की पोल खुल जाएगी। दादा हम तो एक पंकज को 100 दफा मना किया है कि बाहर मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर भी चला गया। अभी देखो सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। तो पंकज को अंकल ने नहीं पकड़ा? अंकल क्यों पकड़ेगा उसको? 3 दिन की छुट्टी लेके इसे समझाना पड़ेगा सर। बाहर क्या कर रहे थे बेटा? अंकल जी हम जांच कर रहे थे कि सुरक्षा प्रणाली कितनी सक्षम है। अरे जब समधी जी ने सिक्योरिटी बुलाई है तो बेस्ट ही होगी ना। किंतु ये लोग तो भाड़े का लोग है, ये हमारी सेफ्टी की चिंता क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या है, भाड़े के लोग ही प्रॉब्लम करते हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पैसे लिए इन लोगों ने, जिम्मेदार लोग हैं ये। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो बेटा? थैंक यू फॉर द टाइट सिक्योरिटी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, चलो 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 मेहमान आते ही होंगे, काम पे लग जाओ। लो फोन आ गया। हेलो हाँ टकली साहब, नीका। हाँ जी हाँ जी जी, आइए आदरणीय पंकज जी। क्या करने गए थे आप बाहर? अपूर्व भैया हम सुरक्षा कर्मियों की योग्यता की जांच कर रहे थे। अच्छा अगर अंकल जी ने हमारी योग्यता नाप ली है तो बाहर के लोग अंदर नहीं, अंदर के लोग बाहर जाएंगे। चलो कहाँ, अंदर या बाहर? अंदर लो इसको। चलो चलो तुम चल, तुम सबसे डेंजरस है। अरे अमरुद मेरे यार, आ गले लग जा यार। धीरू मेरे भाई। अरे धीरू मैं आज भी अपने गांव लिमड़ी जाता हूँ ना तो तुझे बहुत याद करता हूँ। क्या करता हूँ? याद करता है। धीरू 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 को वो याद है, इमली का बूटा बेरी का पेड़। और वो बगीचे के मालिक की मार जो तूने खाई थी। किसने खाई थी? मैंने खाई थी। बुढ़ी बाबा अंकल जी आपने किसी माली के हाथ से मार भी खाया है? जरूर आप बगीचे में से कुछ चोरी करता वो पकड़ा गया होगा। नहीं नहीं नहीं, चोरी तो ये करता था, मैं तो जमीन पे पड़ी हुई इमली और आम बटोर कर माली के पास जाता था और पूछता था कि मैंने ये जमीन से बटोरे हैं क्या, इन्हें मैं खा सकता हूँ? सही बात है सही बात है। और वो बगीचे का मालिक धीरू का कान मरोड़ के बोलता था तेरे को जितना खाना है चुरा के खा ले, लेकिन मेरी नींद खराब मत कर। काम खराब मत कर नींद। अरे धीरू तेरे को वो याद है? तू इनसे मिल, इनसे मिल। ये है मेरे समधी जी ईश्वर लाल जी, और ये उनके दोनों बेटे परेश और पंकज, और ये है मेरा दामाद अपूर्व। नमस्ते।
और यह है मेरा बेटा नीलेश अमृतलाल डगली। अंकल ये है हमारी माता जी और ये तुलिका। बेटा शतम जीवम शरद। ईश्वरलाल आप सब लोग नीलेश को ले जाइए, पूरा घर दिखाइए, इसी बहाने नीलेश और तुलिका की बातें हो जाएगी। हम लोग यही बैठे हैं, क्या कहते हैं अमृत? अरे भाई जैसा तुम ठीक समझो। क्या समझो? कुर्ता सा चाय। नीलेश शर्माइए मत, जो पूछना है पूछिए, समझे कि हमारे कान बंद है। आंख बंद करके तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। तुलिका ना ओके थैंक यू फाइन गुड सब में ऐसे जवाब दे देगी। वो क्या है ना, पहली मुलाकात में इतनी बात करना अच्छी बात नहीं ना। यू कैरी ऑन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो तुलिका दीदी शर्माइए मत। ये भाभी ये शर्माना बंद करे तो मैं शर्माऊ ने। भाई हाँ पूछो ना जो पूछना है। आज होली है। हाँ तुम्हें अच्छी लगती है होली? हंस तो हो रही। मुझे और कौन कौन से त्योहार पसंद है? देखो भाई तुमको जो भी बात करनी है ना इंग्लिश में करो वरना हम लोग जाते हैं। ये आप क्या कह रही है? भाभी वो है ना कि माँ देखना चाहती है कि लड़के को अंग्रेजी आती है कि नहीं मेरी तरह। ए भाई रेडी। सो व्हाट आर योर हॉबीज? Hobbies. Hey, hello. Fine. Fine. Fine arts. इनको पेंटिंग का शौक है, you know painting. हस्तोरी. अरे दिवाली में अक्के घर की पेंटिंग मैं ही करती हूँ. घर की. She's just trying to make you comfortable. I like your sense of humor. और कुछ पूछना है? हाँ मैं नहीं ना very good. चलो जाकर होली खेलते हैं। किधर जा रहा है? अंदर चलो बाहर बड़ा आया अंदर जाने वाला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.